एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, मुजफ्फरनगर का वीडियो है, और उसको देखकर मेरा दिमाग कौंध गया और वाकई में मुझे बहुत गुस्सा आया। दुख अपनी जगह, लेकिन गुस्सा बहुत आया क्योंकि उस वीडियो में नेहा स्कूल में पढ़ने वाला एक बच्चा, उसकी टीचर जिसका नाम तृप्ति त्यागी है, एक 8 साल के बच्चे को अपने ही क्लास में खड़ा करके उसी के सहपाठियों से उकसा उकसा के थप्पड़ पिटवा रही है और कह भी रही है जोर से मारो ये मोहम्मडन है। क्या कसूर है उस बच्चे का? छोटी छोटी बच्चियों से पिटवाया। कभी सोचा है आपने उस बच्चे के ऊपर क्या बीती होगी? कभी सोचा है कि उस बच्चे की मनोस्थिति क्या होगी? वो कितना बेबस, कितना मायूस, कितना कमतर, कितना छोटा महसूस कर रहा होगा अपने आप को? कितनी शर्मिंदगी से वो भर गया होगा? और क्या उसके इस घाव पर आप मरहम भी लगा पाएंगे? क्या उसकी ये मनोस्थिति आप चेंज कर पाएंगे? आज सवाल इस बात का है, आज सवाल इस बात का है कि जिस टीचर पर भरोसा करके मां बाप अपने बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए भेजते हैं, वो हैवान क्यों बन जाती है? किस हक, किसने हक दिया उस टीचर को ये कहने का कि ये मोहम्मडन है और इस बच्चे को मारो? और वो 8 साल का बच्चा खड़ा होकर रोता रहा। उस वीडियो को देख के मुझे गुस्सा इसलिए आता है, मुझे गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि वो बच्चा किसी का भी हो सकता है, उसकी क्या गलती है? ये धर्मांधता, ये हिंसा, ये जहर कहां तक फैल गया है कभी सोचा है आप लोगों ने? हैवान बनते जा रहे हैं लोग। जो जिन स्कूलों में सहपाठियों को एक साथ मिलना जुलना चाहिए, खेलना कूदना चाहिए, चहकना चाहिए, वहां पर एक अकेले लड़के को खड़ा करके इसलिए मारा जा रहा है, मरवाया जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान है। बच्चे का पिता कहता है मैं कोर्ट कचहरी नहीं कर सकता, मैं इस केस में FIR नहीं करूंगा, लेकिन स्वतः संज्ञान लेकर FIR होनी चाहिए। और मैं सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आपसे जरूर यह कहती हूं, आप सिर्फ हिंदुओं के मुख्यमंत्री नहीं है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते आप उस 8 साल के बच्चे के भी मुख्यमंत्री हैं। एक नजीर बनाइए, क्योंकि ऐसी दरिंदी औरत की जगह सिर्फ और सिर्फ जेल में है। और एक सबक सीखना चाहिए लोगों को कि आप बच्चों के साथ, अबोध बच्चों के साथ यह हैवानियत नहीं कर सकते हैं। यह भी शोषण है, यह हर तरह के शोषण से बदतर शोषण है, जहां पर बच्चा असहाय होकर पिटता रहा। शर्म आनी चाहिए। और ऐसी तृप्ति त्यागी की जगह सिर्फ और सिर्फ जेल में है। मुझे गुस्सा इस बात का आता है कि धर्मांधता में तो आप झोंके जा रहे हैं, लेकिन जो नेता आपको झोंक रहे हैं इस धर्मांधता में, उनके बच्चे हाथ में गुप्ती पिस्तौल तलवार लेके नहीं घूम रहे, उनके बच्चे किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, किसी मल्टीनेशनल में काम कर रहे हैं, हो सकता है पैराशूट से विधायक और मंत्री भी बन गए हो। तो सोचिए आप अपने बच्चों को क्या हैवान बना रहे हैं। और ये जो अध्यापक अपने बच्चों को हैवान बनाते हैं, उनकी जगह सभ्य समाज में नहीं है। तृप्ति त्यागी को जेल होनी चाहिए, क्योंकि माफी मांगना पर्याप्त नहीं है, ये गलती नहीं है, ये गुनाह है।